90 के दशक के बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस रवीना टंडन आज भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं, मगर एक दौर ऐसा था जब लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार किया करते थे। एक्ट्रेस ने अपने जमाने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। इनमें न केवल उनकी शानदार एक्टिंग की तारीफ होती थी बल्कि उनकी खूबसूरती और डांस का भी खूब जलवा दिखता था। रुपहले पर्दे पर बेहद दिलकश दिखने वाले ये कलाकार असल शूटिंग के वक्त किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, इस पर हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे रवीना टंडन और अक्षय कुमार की एक हिट फिल्म की शूटिंग से जुड़ा ऐसा किस्सा जब एक्ट्रेस लहूलुहान हो गई थी और दर्द से करहा रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल कहलाने वाली रवीना टंडन की हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी मोहरा। इस फिल्म में रवीना और अक्षय कुमार साथ नजर आए थे और फिल्म का गाना टिप टिप बरसा पानी काफी हिट हुआ था। इस सॉन्ग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था। साल 1994 में आई इस फिल्म के गानों को बॉलीवुड का सबसे हॉट रेन डांस माना जाता है। अक्षय और रवीना की केमिस्ट्री कमाल की रही थी, लेकिन फिल्म में ये गाना जितना ग्लैमरस और रोमांटिक दिख रहा था, रियल लाइफ में इसे शूट करना उतना ही मुश्किल था। क्या आपको यकीन होगा कि इस रोमांटिक गाने की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस दर्द से करहा रही थी और उनके घुटनों से भी खून बह रहा था। दरअसल हाल ही में ग्लाटा से बात करते हुए एक्ट्रेस ने टिप टिप बरसा पानी गाने की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे ठंडे पानी और कंक्रीट के बीच इस गाने को उन्होंने शूट किया था। एक्ट्रेस ने बताया कैसे वो ठंडे पानी में जम गई थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कंक्रीट की वजह से उनके घुटने तक छिल गए थे। इसकी वजह से उनके घुटनों से खून बहने लगा। रवीना ने आगे बताया कि उस समय जब भी बारिश के गाने शूट किए जाते थे तो गीजर का गर्म पानी नहीं दिया जाता था, बल्कि टैंकर से बर्फ जैसा ठंडा पानी ही मिलता था। रवीना टंडन ने यह भी बताया था कि इस गाने की शूटिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर की गई थी। उन्होंने येलो साड़ी पहनी थी और घुटनों पर न ही पैड पहना था और न ही पैरों में हील वाली सैंडल्स। दरअसल गाने में उनकी एंट्री पर वो घुटनों से फिसलती हैं, इस वजह से उनका घुटना और टखने दोनों छिल गए और उनसे खून बहने लगा। इतना ही नहीं, उनके पैरों में जूते न होने की वजह से जंग लगी कीले भी घुस गई। इसी के लिए उन्हें टेटनेस का इंजेक्शन तक लगवाना पड़ा। मोहरा की एक्ट्रेस ने बताया था कि गाना देखने में काफी ग्लैमरस था, लेकिन शूट पर ऐसा कुछ नहीं था, बस एक्ट्रेस के चेहरों पर स्माइल थी। ये गाना 3 दिनों में शूट हुआ था क्योंकि ठंडे पानी की वजह से उन्हें बुखार आ गया। बहरहाल रवीना टंडन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म वेलकम टू जंगल में नजर आने वाली है। इसके जरिए वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए फिर से नजर आएंगे। इसके अलावा एक्ट्रेस को OTT पर भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस अरण्यक, कर्मा कॉलिंग और पटना शुक्ला जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। इनमें उनका काम भी दर्शकों ने खूब सराहा। तो देखा आपने, फिल्मी पर्दे पर बेहद दिलकश दिखने वाला ये गाना एक्चुअल शूटिंग के वक्त कितना मुश्किल रहा। तो शूटिंग के दौरान होने वाले हादसों और इन मुश्किलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।